मोदी के साथ में जो लोग रहेंगे ना उनको वो उनका घूट अलग है। अभी टाइम है इनको, ये बच्चे अभी अंडे में, उनका पेट भर गया ना। आपका खाली है भाई? अभी खाली नहीं है, हम साथ में ईमानदार है। तो कौन इतना ईमानदार है जो बिना टके या काम करता, जरा बता दे। साथ का आदमी जब दूर होता है ना तो फिर वो कुछ भी बोलता है। जो 17 जगहों पे नाचेगा वो दोगला है। स्लॉटर हाउस कहाँ है बताओ? स्लॉटर हाउस अपनी जगह पे। मित्तल मुसलमान नहीं है कि फी सबीलिल्लाह तुम्हारे को जमीन दे देगा। बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही हम लोगों के सारी चीजों को वो लोग बंद कर डालते। तो गुलाब पार्क मार्केट के लोग बोलते कि हमारे पेट पे लात मारा। अगर उनको नॉलेज होगा तो ठीक है ना, बेवकूफ आदमी के साथ में तुम क्या बात करोगे। बबलू भाई, आज के आपने जो है प्रेस वालों को बुलाया है मुंब्रा शहर के कई मामलों को लेकर। खासतौर पर जिस तरह से देखा गया कि जितेंद्र रावत के खिलाफ यहाँ पर नजीमुल्ला और राजन गिरे, इनका जो बयान सामने आ रहा है उसको भी लेकर आपने बात कही है, तो क्या आप बताना चाहेंगे शहर के ताल्लुक से? शहर के ताल्लुक से तो ये बताना चाहूँगा कि शहर हमारा बहुत अच्छा है और बहुत सालों से अमन में है। ये लोग जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इनका क्या अंदर की मंशा है ये मैं नहीं जानता। जो लोग मुंब्रा में रहते नहीं वो मुंब्रा में आके मुंब्रा की बातें कर रहे हैं। अरे पहले जहाँ रहते हो उधर पूरी तरीके से कर लो, फिर उसके बाद में मुंब्रा की बात करो। मतलब मुंब्रा एक आसान प्लेटफॉर्म हो गया है। रात को मुंब्रा में सोने का नहीं, मुंब्रा की लाइट से, मुंब्रा की पानी से इनका कोई वास्ता नहीं और ये मुंब्रा के मालिक बने पड़े आके हमको समझा रहे। तो हम मुंब्रा वाले इतने कमजोर है क्या, अपने लिए खुद नहीं कर सकते? ये छोटे मोटे लोगों की बाहर से आने की जरूरत है। शहर में विकास वो नहीं हुआ, इसको लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे शहर में विकास नहीं हुआ, कौन सी जगह पे विकास नहीं हुआ? ये रेती में इब्राहिम राउत ने एक बयान दिया था कि लाइब्रेरी सिर्फ नजीमुल्ला बना सकते हैं और किसी का बाप नहीं बना सकता, इस तरह का उनका वाक्य। एक कोंकणी समुदाय का 2013 में किसके बाप ने लाइब्रेरी की ओपनिंग किया था? 2013 में जब पवार साहब आए थे तब एक लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी ना, तो वो किसका था? वो भी तो लाइब्रेरी थी, उसकी ओपनिंग हुई थी ना। ये सब छोटा झूठी झूठी बात बोल के कोई मतलब नहीं है। जब तक साथ में रहोगे तब तक सब ठीक है, जब साथ से अड़ गए तो इसका मतलब सामने वाला बुरा है। अभी जो बात करते हैं एनसीपी की, सर एनसीपी में जैसे दो गुट बन गए, अभी इसमें लोग किस पे भरोसा करें, क्योंकि लोगों ने तो एनसीपी को चुन गया है। अब इसके अंदर से दो गुट बन के निकल गए, लेकिन वो है ही आप लोगों की लोग ना। मतलब एक टाइम था जब आप भी उनके साथ ही रहे। जो मोदी के साथ में है वो हमारे साथ में नहीं है, मुंब्रा के साथ में नहीं है। मोदी के साथ में जो लोग रहेंगे ना उनको वो उनका गुट अलग है। वो लोग अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को चलाए। हम लोग पवार साहब के साथ में और अवार्ड साहब के साथ में और सेकुलरिज्म के साथ में। माइनॉरिटी के लोगों को तुमने देखा रहेगा कि एक टीचर एक बच्चे के साथ में कितना बदसलूकी कर रही थी, दूसरे बच्चों को उठ के मारने के लिए बोल रही थी कि मारो मोमेडन है मारो। क्यों? क्योंकि ये जहर मोदी ने बोया है। आप लोग कह रहे हैं बार बार कि आप लोग अवार्ड साहब के साथ में है। विधायक जितेंद्र अवार्ड का पुतला जलाया गया दो बार, एक बार पुतला जलाया गया, एक बार चप्पल जूते से मारा गया थाने में, जो दूसरे पार्टी एनसीपी के दूसरा वोट है उन लोगों ने किया। आप लोग मुंब्रा में हैं इतना बोलते कि हम अवार्ड साहब के साथ में, कभी आज तक सामने नहीं आए। तो ये क्या है, सामने नहीं आए 15 साल से साथ में? क्यों नहीं किसी का पुतला पुतला जलाया? अरे किसका पुतला जलाएंगे, इनका अवार्ड साहब बड़े नेता है और बड़े नेताओं का पुतला जलाया जाता है, उनका विरोध जताया जाता है। ये क्या है, अभी कॉरपोरेशन से तो इन लोगों को बाहर निकलने दो। कॉरपोरेशन के लोगों का पुतला जलाया जाता है कि कहीं पे इस्लामुद्दीन भाई आप बताओ। अभी टाइम है इनको, ये बच्चे अभी अंडे में, आगे निकलने दो इनको, तब इनका पुतला जलाएंगे। किसी मामले में तो आप लोग सामने नहीं है। क्यों सामने नहीं है? जब मामला आएगा तब दिखाएंगे। मुंब्रा में ही देख लो कितने लोग हैं, नगर सेवक है जो हमेशा साथ में थे, लेकिन अब सब भागे भागे फिर रहे हैं। उनका पेट भर गया ना। आपका खाली है भाई? अभी खाली नहीं है, हम साथ में ईमानदार है। उन लोगों का मंशा अलग अलग रास्ते से निधि लेना और अपना काम करना। अरे निधि विधि अलग जगह पे, निधि कब लेके काम करोगे? रस्ते पे चलोगे जब जब जिंदा रहोगे तब ना, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो चलोगे कहां से? देश के हालात आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते, सोच पे डिपेंड करते। राजन किरे ने बयान दिया कि जो यहाँ पर काम वगैरह हुए उसमें सब टके का काम हुआ, टका लेने का काम हुआ। अच्छा, तो कौन इतना ईमानदार है जो बिना टके या काम करता, जरा बता दे। यानी आप मान रहे हो टके पे काम हुआ? किसके टके पे काम हुआ? जो आरोप लगाए राजन किने के आरोप में क्या? राजन किने साहब तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जब तक साथ में थे तब तक सब अच्छा था, जब साथ में नहीं है तो वो अभी आरोप लगा रहे, उसके बारे में क्या बात करेंगे? वो अगर साथ में नहीं होते थे और सामने खड़े रहे के हमेशा विरोध करते थे तो मैं मानता था ये बात को, लेकिन वो तो हमारे साथ में थे ना।
आज उनका मामला ठीक नहीं है और वो बोल रहे, तो उस पर कहाँ इतना ध्यान देने का। साथ का आदमी जब दूर होता है ना तो फिर वो कुछ भी बोलता है, सच्चाई काहे की सच्चाई, बेहतर मालूम रहता है अंदर क्या चल रहा है ना। अरे लेकिन जब तक साथ में था तब तक क्यों नहीं बोला, मतलब जब तक झूठा कहना, यही सब वजह से मैंने छोड़ दिया, दूर हट गया। अरे बाप रे बाप, इतना मेरे को नहीं समझ में आया कि इतना इतना दिन लग गया उसके लिए, 10 साल लग गए, 5 साल लग गए। बबलुआ लेकिन क्यों इतना विरोध कर रहे लोग आवाज हम तक, क्यों अंदर ही अंदर इतना एक वो कर रहे लोग, क्या वजह क्या है, कौन विरोध कर रहा है? ये जो लोग जो दूर जा रहे हैं, जो लोग सेवक लोग भी है ना, वो भी आप जो यहाँ पे भी नहीं, नहीं, ये वहाँ पे भी दिखते हैं और तीसरे ग्रुप में भी दिखते हैं, सभी लोग आप ही के नगर से, आप ही के लोग हैं। अरे उन लोगों का काम ही है, वो बेचारे एक जगह के ऊपर स्टैंड ही नहीं है, वो यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है वो किधर है, तो उनका क्या बोलेंगे। जो लोग जिसके साथ में ठाम पने से खड़े हैं ना, उन लोगों के बारे में बात करो, ये दोगले लोगों के बारे में बात करके क्या मतलब है? दोगला कौन? जो है वो है, मतलब कौन? जो 10-17 जगहों पे नाचेगा वो दोगला है। आज मुमरा जो एक जगह पे खड़े रहेगा वो ओरिजिनल है। मुमरा के तो कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पे जा रहे हैं? तो दोगले है वो, नजीब के पास जा रहे हैं। हाँ तो दोगले ना के पास जा रहे हैं। अरे वो दोगले लोग है, मैं बोलता ये मर्द के बच्चे तो एक ही जगह पे खड़े रहो ना। अभी कौन सा नगर सेवक अवार्ड साहब के साथ में, ये बताओ कौन सा नगर सेवक अवार्ड साहब के साथ में है? शानू पठान अवार्ड साहब के साथ में, विरोधी पक्ष नेता है। और नाम गिनाओ, बाकी लोगों का मेरे को नहीं मालूम है, शानू भाई मेरा दोस्त है, मैं उनके अंदर की बात जानता हूँ। काफी है हम लोग एक, चलो बाकी सारे लोगों को जिसको जाना है ना वो चले जावे, और हम लोग जितने लोग बचे हुए ना वो लोग और अवार्ड साहब 1,00,000 वोटों से चुन के आएंगे, ये बात अलग नहीं, सच है। जाना चाहते जिसको जाने का जाओ, लोग वोट देते हैं, नगर सेवक वोट नहीं देता है। इनकी खुद की क्या ताकत है ना ये पता चल जाएगा तुम्हारे को, लोगों से वोट मिलता है, अवार्ड साहब ने लोगों का काम किया। तो जो आज तक नगर सेवकों को जो वोट मिला है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो उनके वोट नहीं है? किनके वोट? अवार्ड साहब की वजह से मिला है? नहीं, हाँ बिल्कुल, अवार्ड साहब की वजह से जीते हैं 100%। कोई वर्चस्व नहीं है भाई साहब के बारे में, क्या ख्याल है? भाई साहब बड़े आदमी, उनके बारे में कोई ख्याल मैं देऊ ऐसा मेरी ताकत नहीं है। मैं जो तो अवार्ड साहब के विरोध में है। कौन बोला आपको अवार्ड साहब के विरोध में? जाओ इंटरव्यू सुनो, कई बात तो उन्होंने कुछ नहीं, वो सच के ऊपर जो बातें रहती है वो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। क्या सच क्या बोला उन्होंने? बहुत कुछ, जो सच है वो सच बोलते, वो जो झूठ है वो झूठ बोलते। भाई साहब के बारे में देखो, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भाई साहब के बारे में बोलूंगा, वो बड़े है और मेरे बड़े भाई है, समझे, इस्लामुद्दीन भाई। उनकी एक आदत है जो सच है वो बोल देते हैं, जो झूठ है उसके बारे में भी बोल देते हैं। वो बोल रहे हैं कि चुगलखोरों ने पूरा माहौल खराब किया। बिल्कुल चुगलखोरों ने माहौल खराब किया है ना, चुगलखोर भी थे ना, सब चीज है उसके अंदर। तो ऐसी नौबत क्यों आ गई? 15 साल हो गए भाई, 15वां साल से वो बेजार हो गए क्या? नहीं, एंटी कम्युनिस्ट रहता है ना, कोई बेजार नहीं हुआ। कैसे बेजार हुआ? इलेक्शन आने तो तुमको पता चलेगा कौन कौन लोग साथ में करके। और ये जो लोग जो कर रहे ना, ये पावर के साथ कर रहे। क्यों सरकार बदली और इनका उबाल बाहर आया? पहली सरकार बदली, कुछ लोगों का उबाल बाहर आया, दूसरी सरकार बदली, हमारे बीच के लोगों का उबाल बाहर आया। उससे पहला क्या हुआ था? उससे पहले अवार्ड साहब बुरे नहीं थे। इससे पहले आप लोगों को इन लोगों के बारे में कोई अंदेशा नहीं था? अरे इन लोगों हमारी टीम में ऐसे फूट पड़ रही है, मतलब नहीं, फूट की बात नहीं है। देखो इनकी जहाँ तक का मैं अवार्ड साहब को समझता हूँ, वहाँ तक का मेरा एक सोच ऐसा है कि अवार्ड साहब लोगों के बीच के नेता है, वो लोगों के लिए काम करने वाले हैं। ये नगर सेवक कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? मैं किसी नगर सेवक के बोलने पे जितेंद्र अवार्ड को वोट दूंगा, ऐसा है ही नहीं। पब्लिक अपने आप में एक ताकत रखती है। अरे तुम्हारे लिए अच्छा हुआ तो अच्छा, तुम्हारे लिए बुरा हुआ तो बुरा, ये थोड़ी चलता है यार। लोगों के हित में काम किया है अवार्ड साहब ने। रेती बंदर से जब आदमी आता है, ये जो लोग थाना से आ रहे एंट्री कर रहे और कौसा के एंड में जाके जो बुराई कर रहे, तो कम से कम जिस रोड से आ रहे ना, उस रोड को अगर पहले मुमरा में आए होते थे तो आज वो रोड को देख के तो सोचे होते कि अवार्ड साहब ने काम किया कि नहीं किया। उसके बाद में आगे स्टेशन पे आए होते तो स्टेशन के ऊपर समझ में आता था कि काम किए कि नहीं किए। रोड है, पानी है, ये सब है, ठीक है, अलग है। इसके अलावा और क्या काम किया? किसके अलावा? इसके अलावा क्या काम किया अवार्ड साहब ने? हाँ क्या काम किया? देखिए अवार्ड साहब की जो मिसेस है वो स्टूडेंटों के लिए काम करती है, वो कभी भी कैमरे के ऊपर आई नहीं। चीज अलग है। अरे लोगों का तो ये भी बोलना है कि अवार्ड साहब के एमएलए फंड से मुमरा में कोई भी काम नहीं हुआ है।
एमएलए फंड से काम नहीं हुआ, नगर सेवक फंड से काम नहीं हुआ, खासदार निधि से काम नहीं हुआ। अरे भैया खासदार फंड से काम करना पड़ा। अगर अगर काम हुआ होता तो खासदार फंड से लोगों को काम क्यों करना पड़ता। अरे खासदार फंड से काम आप कर रहे ना इस्लामुद्दीन भाई, ये एक साल पहले खासदार निधि आना चालू हुई, इससे पहला किधर थी। अच्छा हर चुनाव में मैनिफेस्टो जारी होता है, ठीक है। स्लाटर हाउस कहाँ है बताओ मुझे। स्लाटर हाउस अपनी जगह पे, जहाँ पे स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन था, जहाँ पे स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन था वहीं पे स्लाटर हाउस है। वही मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे। एम एम मिली का जो हॉस्पिटल है उसके पीछे है स्लाटर हाउस बना, उसकी जगह है। जगह बना कैसे बनेगा, क्यों नहीं बना। अरे गौ बंदी गौ हत्या का जो ये आया महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार, जहाँ कब्रस्तान था वो स्लाटर हाउस है। नहीं नहीं उसका रिजर्वेशन, जहाँ कब्रस्तान हेरफेर हुई ना उसमें। किसमें हेरफेर हुई, जमीनों में हेरफेर किया गया। नहीं नहीं जमीनों में हेरफेर नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जहाँ पर एम एम मिली का कब्रस्तान है वहाँ पर स्लाटर हाउस था ना। जहाँ पे एम एम मिली का कब्रस्तान है वहाँ पे स्लाटर हाउस था, क्यों नहीं बनाया। जरूरत किस चीज की है कब्रस्तान जहाँ था। नहीं जरूरत किस चीज की है, जरूरत रोजगार की है। कब्रस्तान की जरूरत कोरोना में थी कि स्लाटर हाउस की थी। कोरोना के पहले कब्रस्तान मिला वो अलग मामला, बाद में भी स्लाटर हाउस को रोक स्लाटर हाउस दे सकते थे ना। बाद में स्लाटर हाउस बना सकते थे ना। मैं अवार्ड साहब ने बनाया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, अवार्ड साहब ने स्लाटर हाउस क्यों नहीं बनाया, किस लिए क्या हो गया। इसलिए ऐसा हुआ कि स्लाटर हाउस का टेंडर निकला, उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी ने गौ हत्या का कानून लेके आई। स्लाटर हाउस जो लोगों को बनाना था वो लोगों ने बोला कि जब अब ये सिस्टम में ही चीज़ें नहीं है तो इसको किस तरीके से लेके आएंगे। उसका टेंडर डिजोल्व हो गया, मतलब वो प्राइवेट इससे कुछ लोग कर रहे थे। और जहाँ तक कब्रस्तान का सवाल है इस्लामुद्दीन भाई, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं आपको एक बात हकीकत में बताता हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं बात बोलता हूँ कि वो कब्रस्तान कोरोना काल के अंदर लोगों को काम आया, ये सच्चाई है। जितने लोगों को वहां दफन किया गया अगर वो लोग नहीं, सुनो ना मुझे, काम आया ठीक है, लेकिन जहाँ कब्रस्तान की जमीन मिली थी अगर वहीं पर बनाया गया होता तब भी काम आता ना। क्या कब्रस्तान की जमीन ये साइड में है तो क्या प्रॉब्लम है। यूडी ने जहाँ दिया था मित्तल के पास, ऐसा है देते। ऐसा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे बार बार काम आया काम आया, अगर जहाँ एम एम मलिक पे कब्रस्तान बनाए वो काम आया, जहाँ पर राज्य सरकार ने दिया था वहाँ पर बनाते तब भी काम आता ना। तुम्हारे को एक चीज बताओ, मित्तल अपनी जमीन देने के लिए रेडी नहीं था कब्रस्तान के लिए। मित्तल मुसलमान नहीं है कि फी सबीलिल्लाह तुम्हारे को जमीन दे देगा। नहीं ऐसा है, मनपा ने रिजर्वेशन दे दिया, इसका मतलब जमीन बहाने हो गए हैं। नहीं, मनपा ने रिजर्वेशन डाल दिया इसका मतलब जमीन आपकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। जमीन मालिक का उसके अंदर टीडीआर लेके जमीन हैंड ओवर करने का भी एक पार्ट होता है। अगर वो जबरदस्ती जमीन लेंगे वो कोर्ट चला जाएगा। डायलिसिस सेंटर अभी चालू है तुम्हारा, इसमें एम एम मिली के हॉस्पिटल के अंदर बोलते आ रहा है, आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी चीजें देखो। आज हाउस आते आते रवि मुंबई पहुंचा, बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही हम लोगों के सारी चीजों को वो लोग बंद कर डालते हैं। वो लोग जितनी भी निधि आती है वो निधियों को खत्म कर डालते हैं और चीजें बनने नहीं देते। मुमरा में क्या करोगे, आज जिन लोगों का बीजेपी के साथ भी संबंध है वो लोग लेके आवे तो फिर हवा हवाई नहीं है, फायर चल, हवा हवाई कोई फायर नहीं है। जब चुनाव जीत जाओ फिर काम कर डालो तो कर रहे काम, किधर लेके है बना के पहले नहीं चिपका। नहीं ऐसा नहीं है, जो आपकी सोच है वो तो लोगों के सामने आपको रखनी पड़ेगी ना। अब जब गवर्नमेंट चेंज हो गई उन्होंने सारी निधि का, फिर चुनाव आएगा फिर फोटोबाजी चलेगी, कोई जरूरत नहीं, जितना कोई फोटो की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितना काम आज तक का शहर में किया उसकी बुनियाद के ऊपर 1,00,000 वोटों से चुन के आएंगे। आज भी प्ले ग्राउंड नहीं है बताओ, खेल का मैदान कहाँ है। खेल का मैदान है ना वहाँ पे, अभी जो एम एम मिली का नया बिल्डिंग बना है जिधर वो होटल डाले थे इन्होंने, ताला मार के रखा है बच्चा खेलते हैं वहाँ पे। सब चीज के लिए जमीन के मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ता है। ये जो लोग चिल्ला रहे ना उन लोग फॉलो कर, मित्तल का जो रोड है जो जा रहे हो आप, वो काम किसने किया। मित्तल इस्लामुद्दीन भाई, इस्लामुद्दीन भाई जो काम हुआ उस पर बात कीजिए। नहीं मित्तल का जो रोड है और मुमरा स्टेशन का एम गेट, ये 3-4 चीज बताते ये हुआ वो हुआ। मित्तल के रोड के बारे में बात नहीं करोगे ना। मित्तल के रोड के बाजू में भी रिजर्वेशन जमीन है उसका क्या हुआ। मित्तल के रोड के बारे में आप बात नहीं करोगे ना। मित्तल के रोड के बाजू कब बनाओ जमीन है, ये कार्यकाल में बना ना व्हाट्सएप के। मित्तल का रोड, मित्तल रोड के बाजू में रिजर्वेशन जमीन है वहाँ पर किन लोगों का कब्जा बताओ आप। कोई कब्जा किसी का नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी रिजर्वेशन की जमीन है ना उतनी जगहों के ऊपर सारे रिजर्वेशन की चीजें बनेगी। ये कब्जे का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ के कुछ पार्टी है जो उसके खिलाफ मालूम है मुझे लगा रही है और विरोध भी कर रही है। बराबर है आपकी बात, लेकिन कोई जमीन ऐसी खाने नहीं देंगे व्हाट्सएप। एआर की पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की अलग अलग तरीकों से रिजर्वेशन के ऊपर पॉलिसी है। वो पॉलिसी के अंतर्गत अगर उन लोगों को काम करने का तो वो लोग वो पहला रिजर्वेशन बना के देंगे और फिर काम करेंगे। ये बेवकूफ लोग जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ,
कि जितनी रिजर्वेशन की जमीन है उस रिजर्वेशन की जमीन के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से प्लान सेंक्शन होगा। अगर गार्डन रिजर्वेशन की जमीन है उसके ऊपर 30% बिल्डर को बिल्डिंग बनाने मिलेगा और 70% गार्डन पहले बना के देना पड़ेगा। बिना बनाए वो लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते, इसलिए कहीं कोई चीज जा रही नहीं है। सबसे मेन चीज ये, पहला लोगों को नॉलेज लेना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सड़क, पानी और ये एमजेड कब्रस्तान, यही सब मुद्दा कितने सालों तक गिनाएंगे? तो आप क्या चाहते हो, कुछ करके बताओ ना। क्या करके? हॉस्पिटल चार माले से एक माला कर दिए, हॉस्पिटल चार माले से एक माला, डायलिसिस सेंटर नहीं है, उर्दू भवन नहीं है, ये हॉकर जोन नहीं है, ठीक है। अब आने वाले रोड पे हॉकरों का कब्जा है, हॉकर जोन अगर दिए होते तो वहां पर रहते। आपको पता है कि गुलाब पार्क मार्केट को अगर किसी तरीके से हटाने की कोशिश अगर किया जाए तो गुलाब पार्क मार्केट के लोग बोलते कि हमारे पेट पे लात मारा। नहीं, जाने वाले आगे के लोगों का उनको फिकर नहीं, उनको उनके धंधे का फिकर है। तो क्या करेंगे, हॉकर जोन में जाएंगे। जो अभी जो पतरा मार के रखा है कब्रस्तान के बाजू में, वहाँ पे एक हॉकर जोन है, वहाँ बन जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, कब्जा नहीं हो सकता भाई। तुमको पहली बात तो ये बता दो, किसी का बाप कब्जा नहीं कर सकता। क्या बन क्या रहा वो बनेगा, जो रिजोल्यूशन है वो 100% बनेगा। ठीक है, अगर रिजर्वेशन 10 एकड़ की जमीन के ऊपर है, 2 एकड़ बिल्डिंग बिल्डर को बनाने के दी जाएगी और 8 एकड़ के ऊपर वो काम होगा। ये गलत बात है कि कब्जा हो गया और वो हट जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा हम नहीं करें कब्जा हो गया, जो यहाँ की कुछ पार्टियां विरोधी है उन लोग, वो लोग का ऐसा दावा है कि कब्जा हुआ है, उनको नॉलेज ही नहीं है। इसके लिए आंदोलन वगैरह भी कर चुके हैं। अरे उनको नॉलेज ही नहीं है, अगर उनको नॉलेज होगा तो ठीक है ना, बेवकूफ आदमी के साथ में तुम क्या बात करोगे। ठीक है, आने वाले वक्त में एनसीपी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्ट आपका है, वो क्या स्टैंड रखती है मुंब्रा के लिए? आने वाले दिनों में एनसीपी ये स्टैंड रखेगी कि हमको मोदी की विचारधारा के खिलाफ में लड़ना है। जो लोग मोदी के साथ में है वो हमारे साथ में नहीं है, हम मोदी के विरोध में लड़ेंगे बस, ठीक है। और जो अभी एक प्रोग्राम हुआ था इसकी बात अभी हम लोगों ने किए भी थे, तो उनमें जो लोग आए थे, जो लोग आप ही के पार्टी के जो चेहरे दिखे थे, क्या वो आपके साथ है क्या आपके खिलाफ है? वो लोग तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब स्टेज से साहब के बारे में खिलाफ में बात की गई थी तो खिलाफ है सारे। नहीं, वो लोग तो आपके साथ भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं। मैंने बोला ना तुम्हारे को दोगले लोग, क्या कर सकते उसके बारे में। तो आने वाले चुनाव में मुंब्रा वाले किस एनसीपी के साथ में रहेंगे? जो एनसीपी मोदी के विरोध में रहेगी, जो एनसीपी मुसलमानों के साथ में रहेगी, उसके साथ में मुंब्रा वाले रहेंगे, और जो बीजेपी के खिलाफ की एनसीपी रहेगी उसके साथ में 110% मुंब्रा के सारे लोग रहेंगे। और अगर अवार्ड साहब एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए या अपक्ष में हो गए तो क्या करेंगे? अवार्ड साहब का साथ देंगे, स्टैंड एकदम क्लियर है अवार्ड साहब के साथ में। जरा भी यहाँ हुआ नहीं, यहाँ एक मीटिंग अटेंड करेंगे, यहाँ अटेंड करेंगे, यहाँ अटेंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम साथ में। तो आप एनसीपी के साथ नहीं, अवार्ड साहब के साथ? मैं अवार्ड साहब के साथ हूँ, साथ में रहूंगा और साथ ही में चलूंगा। और वो लोग जो दोनों तरफ है उनके लिए क्या कहोगे? उनको देखते हैं अभी चुनाव में क्या करना चाहिए करके, वो आएगा, वो पहाड़ के नीचे तो आएगा ना। यानी आपका जीना मरना साथ है? बिल्कुल, जीना मरना साथ है।